क्या नाम है आपका? सुरेंद्र पुनिया, प्रांत मिलन केंद्र प्रमुख बजरंग दल हरियाणा, जिला सिरसा, गांव माधो सिंगाना। किस तरह के मेवात विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने गत 3 वर्ष से अपने प्राचीन पांडवकालीन जो मंदिर है वहाँ जलाभिषेक यात्रा शुरू की थी, जो कि अपनी संस्कृति को बचाने के लिए तो बड़ी ही शांतिपूर्ण तरीके से लंगर प्रसाद करके यात्रा वहाँ से शुरू हुई। वहाँ नल्हड़ से चलते ही और प्रयास अकेडमी से वहाँ 1:58 के आसपास वहाँ एक हॉस्पिटल, दाएं बाएं जितने भी बिल्डिंग थे वहाँ पर मुस्लिम समाज के लोगों ने एक पूरे सुनियोजित तरीके से आगे से पत्थरबाजी शुरू कर दी। बसों का, गाड़ियों का काफिला बहुत था, लिंक रोड था, गाड़ियाँ मुड़ नहीं सकती थी, तो पीछे से गाड़ियों में है ना भगवे पटके डाल के, हम सोचे भी ये मीडिया में लगे ये बजरंग दल वाले हैं और हमें पहचान ना हो, और उन्होंने है ना कूड़े के पराली के ढेर लगा रखे थे और गाड़ियों में बसों में आग लगा रहे, आगजनी कर रहे थे, ऊपर से पत्थरबाजी, राउंड फायरिंग, 2 नंबर के कट्टे, देसी अवैध सारे उनके पास हथियार थे। ऐसा जो है हत्या का लाइव, हम भोले शंकर का वो धन्यवाद करते हैं भी, हम इस आज आप आपके सामने हमें बाइट देने के लिए मौजूद हैं। हमने सबसे जो बाइक रैली के बाद हमारी गाड़ी क्रूजर गाड़ी थी आपके सामने खड़ी है, उससे आगे एक बस चल रही थी, बस को जला दिया गया, गाड़ी को वापस किया, कार्यकर्ता इधर उधर भागे और सभी गांव में 184 गांव है जहां केवल मोमडन रहते हैं, जिन जिन क्षेत्र से जो जो एरिया से आए ना एक साथ इन्होंने हमला किया, सिंगार मंदिर में इन्होंने हमला किया, वहां कार्यकर्ताओं को मार दिया उन्होंने, और नल्लड़ में हमला किया, झिर में हमला किया, सोहना में हमला किया, रास्ते में जितने गांव आए वहां से सारे गांव में सड़कों पे पत्थर, टेम्पो ले लेकर के मोटरसाइकिलों पे, और ये जिहादी है वो तांडव कर रहे थे, साक्षात पुलिस प्रशासन सारी व्यवस्था में लगा रखे थे, वो मोमडन थे हमारे साथ। फेलियर है हरियाणा सरकार का, मेवात पुलिस प्रशासन का फेलियर है। जब हम आगे से जैसे यात्रा में हमला हो रहा था, पीछे लगे, पीछे आगजनी हो रही थी, तो दाएं हम गए तो सारी पुलिस है ना आधा किलोमीटर दूर जाके 6 जो गाड़ियां हैं वो दाएं बाएं हो गई, तितर बितर हो गए, सारे दाएं बाएं हो गए थे पुलिस वाले भी। तो आप कितने लोग गए थे, कब गए थे? हम 12 लोग गए थे, कल सुबह 4 बजे गए थे। वापसी अभी आए हैं, 8:20 पे हम। अमन, आप भी वहीं से लोग? जी वहीं से। तो क्या कुछ आपने देखा वहाँ, क्या कुछ आपने घटना घटी आपने? जी वहाँ पर देखा जी, उन मुसलमानों ने, जिहादियों ने हमारे ऊपर एकदम से हमले कर दिए, हमें पता ही नहीं लग रहा था कौन सी तरफ से पत्थर आ रहे हैं, कभी उधर से कभी उधर से, गाड़ियाँ चला दी गई, तोड़ दी गई, बुरी तरीके से हमले कर दिए गए, और पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ नहीं था, उनके साथ ही मिला हुआ था। कृष्ण हिंदू नगर मंत्री बजरंग दल, ये कहना चाहूँगा जी, हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ किस रूप में चाहिए? योगी बाबा चाहिए या बुलडोजर चाहिए? जो योगी बाबा करते हैं यूपी में वो काम यहाँ पे होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि सरकार ने सपोर्ट करी है, नहीं तो सरकार फेल है टोटली जी, टोटली फेल है बिल्कुल। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि किसी तरह की सपोर्ट नहीं थी, पुलिस टोटली उनका सपोर्ट कर रही थी, टोटली मुसलमान जो लोग ये थे पुलिस वाले वो ही वहाँ पे ड्यूटी लगा रखा था इन्होंने, टोटली प्लान था। अब ये गवर्नमेंट का प्लान था, वहाँ के विधायकों का प्लान था, ये हमें नहीं पता, मगर टोटली फेल गवर्नमेंट है जिस टाइम। मैं अरविंद भारद्वाज, नगर से संयोजक बजरंग दल सिरसा। इसमें सबसे बड़ी नाकामयाबी मैं प्रशासन और सरकार की मानता हूँ, क्योंकि अगर हम हिंदुस्तान में रह के अगर हिंदू सुरक्षित नहीं है तो क्या हो सकता है, ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामयाबी है। वहाँ पे हम लाइव देख रहे थे, हमारे साथ में जो भाई हैं उनको गोलियाँ लग रही हैं, माताएं बहनों को जिंदा बसों के अंदर जलाया जा रहा है, हम कुछ भी नहीं करने, अब कुछ भी करने में असमर्थ थे, और हम वहाँ से कैसे निकल के आए हैं ये हम ही जानते हैं। और प्रशासन को वहाँ पे कॉल किया, प्रशासन से बातचीत हुई, प्रशासन ने सीधा कह दिया आप अपनी सुरक्षा के, आप खुद अपनी सुरक्षा करें, प्रशासन इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर पा रहा। और वहाँ पे प्रशासन के जितने भी अधिकारी लगे हुए थे सब मोमडन लगे हुए थे, और वो वहाँ पे लोकल आदमी लगे हुए थे, कम से कम इनको ऐसा करना चाहिए था कि भी बाहर के आदमी लगा के प्रशासन के, और वहाँ पे सुरक्षा की जो पुख्ता व्यवस्था करनी चाहिए थी। बिल्कुल जी बिल्कुल, फेल निरंतर फेल रहा था, और पहाड़ों पे चढ़ चढ़ के नक्सलियों की तरह, जैसे कारगिल में युद्ध हुआ था इस तरह से वहाँ से गोलियाँ बरसाई जा रही थी, उनके पास नाजायज असले थे, ऐसे ऐसे असले थे उनके पास जो हमने कभी ज़िंदगी में देखे नहीं, उनकी फ़ोटो भी नहीं देखी, पेट्रोल पंप फेंक रहे थे जी,
और भी बम बना बना के बारूद से वो फेंक रहे थे, बहुत उन्होंने आतंकवाद फैलाया। और एक बज के 58 मिनट पे हमला हुआ, पुलिस वहाँ नाम नदार्द रहा, 7 बजे के आसपास वहाँ CRPF आई। हरियाणा सरकार का फेलियर था, केंद्र सरकार ने वहाँ बटालियन CRPF भेजी है, तब माताएं बहनें जो हमारे मंदिर के अंदर लगभग 2500 या 3000 जो माताएं बहनें कार्यकर्ता थे उनको लाया गया। जब लगभग कार्यकर्ताओं को जो जिले से प्रमुख लोग गए थे अपनी जान पे खेल करके आए हैं।